आइए दोस्तों उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें और सभी प्रमुख मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए खेल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की नई पहल। अगले साल यूपी में होगा युवा खिलाड़ियों का एक महाकुंभ, जिसमें नोएडा, लखनऊ, वाराणसी और गोरखपुर में अलग अलग खेल होंगे। दरअसल साल 2023 में यूपी के अंदर युवा खिलाड़ियों का एक, जिसे कहते हैं, एक बड़ा टूर्नामेंट की तरह लगने जा रहा है। यहां 2023 में नेशनल यूनिवर्सिटी गेम्स होंगे, जिनमें करीब 8,000 खिलाड़ी और अन्य स्टाफ भी भाग लेंगे। योगी सरकार ये नई प्लानिंग कर रही है। वह देखिए काशीपुर रोड पर चला एमडीए का बुलडोजर। एमडीए से नक्शा पास कराए बगैर 35 बीघा जमीन में हो रही थी अवैध प्लाटिंग, तो मुरादाबाद में अवैध निर्माणों पर प्राधिकरण की तरफ से बुलडोजर चलाया गया और एक कुछ ऐसी ही घटना मुजफ्फरनगर में भी देखी गई। यहां भी अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाना पड़ा क्योंकि 40 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी काटी जा रही थी खंजापुर में। अच्छा, वहीं हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बिना ओबीसी आरक्षण हो निकाय चुनाव। लेकिन इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि पहले ओबीसी आरक्षण देंगे और फिर चुनाव करेंगे, अगर हमको जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। दरअसल कल ही निकाय चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला सुनाया गया कि झटपट से निकाय चुनाव करवाओ, मतलब आरक्षण को रहने दो। लेकिन योगी सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। हाईकोर्ट के फैसले पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि पहले ओबीसी वालों को आरक्षण मिलेगा और उसके बाद होंगे चुनाव, फिर चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट ही क्यों न जाना पड़े। और इस निकाय चुनाव कंट्रोवर्सी के बीच एक बड़ा फैसला ये लिया गया कि दो नगर पंचायतों के नाम बदल दिए। एक तो गोरखपुर का मुंडेरा बाजार अब चोरी चोरा के नाम से जाना जाएगा और दूसरा है देवरिया का तेलिया अफगान बना तेलिया शुक्ला। सांसद रवि किशन के द्वारा ट्वीट करके बात की जानकारी दी गई, इन नामों को बदल दिया गया है ना। वह देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की पहली मुस्लिम पायलट बनने की राह पर चली सानिया मिर्जा से मुलाकात भी की। और फाइटर पायलट सानिया मिर्जा से मुलाकात के बाद सीएम योगी बोले कि ऐसे ही कीर्तिमान रचती रहे हिंदुस्तान की बेटियां। वैसे हाल ही में क्रिसमस के मौके पर सख्ती के बावजूद भी कई जगहों पर धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने को देखने को मिले और इन लापरवाहियों के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक सख्त बैठक बुलाई और उसमें पुलिस और उच्च अधिकारियों की क्लास भी ली। अच्छा, वही बड़ी खबर है इंडियन काउंसिल ऑफ केमिस्ट का राष्ट्रीय अधिवेशन। राज्यपाल बोली राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत को महाशक्ति बनाएगी। प्रोफेसर रंजीत वर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया। ये आगरा में होटल क्लास सिराज में हुआ था है ना। और वह देखिए कानपुर मेट्रो का एक साल पूरा हो चुका है। रिकॉर्ड 19 महीने में ये मेट्रो बनकर तैयार हुई थी। 21 लाख लोगों को सफर कराया और सिर्फ 3 बार तकनीकी खराबी देखने को मिली। आज ही के दिन देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर मेट्रो का इनॉग्रेशन किया था और काफी सक्सेसफुल रही है ये मेट्रो सर्विस। अमेजिंग राइट। वह देखिए बदायूं में गैंगस्टर अकबर का 50 लाख का मकान हुआ जब्त। आरोपी पर दर्ज है कई मुकदमे। 2 साल पहले भी हुई थी कार्रवाई और अब प्रशासन ने ये सख्त कार्रवाई की है। बड़ी खबर है एलडीए ने शुरू किया काला पहाड़ झील की सफाई। झील में लगाए जाएंगे जल शुद्धिकरण यंत्र। 11 एकड़ क्षेत्रफल में फैली इस झील में तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश लखनऊ में एलडीए यानी कि लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से ये काला पहाड़ झील की सफाई शुरू की गई है। वैसे देखिए आगरा में भी गंगा जल के लिए लोगों ने भूख हड़ताल की। 2 करोड़ रुपए स्वीकृत होने के बाद भी पाइपलाइन डालने का काम पूरा नहीं हो पाया। अच्छा, कुछ और खबरों में आगे बढ़े दोस्तों, लेकिन इससे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश में कोरोना का हाल क्या चल रहा है इस पर कुछ अपडेट बता देता हूँ। देखिए कोविड संक्रमण की तैयारियों को परखने के लिए आपको पता होगा कल ही देश भर में मॉक ड्रिल आयोजित किया गया और उत्तर प्रदेश के भी 75 जिलों के लगभग 400 अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजन हुआ। पहले मैं आपको मॉक ड्रिल का मतलब समझा देता हूँ ताकि आप खबरों को अच्छे से समझ पाओ। मॉक ड्रिल का मतलब ये होता दोस्तों कि किसी अस्पताल में कोरोना से लड़ने के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, किस तरह से तैयारियां की गई है। मान लीजिए एकदम से कोरोना के पेशेंट मरीज बढ़ गए तो हालातों से कैसे लड़ा जाएगा, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था, वेंटिलेटर, बेड, पीपीई किट, खाट वगैरह, दवाइयों की, मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था प्रॉपर है या नहीं है ना। तो ये मॉक ड्रिल का आयोजन कल देश भर में कराया गया क्योंकि अभी धीरे धीरे भारत में भी कोरोना के मामले बढ़ने लगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश के कुछ 75 जिलों में अलग अलग जगहों के मॉक ड्रिल के नतीजे देखिए आप। देखिए कोरोना की तैयारी को लेकर देखिए मुस्तैदी, WHO के सर्विलांस ऑफिसर बने मॉक ड्रिल के गवाह। सहारनपुर के 14 हॉस्पिटल में कोरोना पर मॉक ड्रिल कराया गया। स्ट्रेचर पर मरीज को लेकर दौड़ी स्वास्थ्य टीम, लेकिन 3 बार गेट में फंसा स्ट्रेचर, ये लापरवाही देखी गई। अब प्रयागराज के 8 अस्पतालों में मॉक ड्रिल के नतीजे देखने को मिले। अफसरों ने देखी हकीकत, अगर कोरोना का खतरा बढ़ा तो अलर्ट हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग। यहाँ कुल मिलाकर के अच्छे नतीजे आए मॉक ड्रिल के। वही देखिए गोंडा के जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल के नाम पर केवल खाना पूर्ति कर दी गई, मतलब हरामखोरी देखिए कुछ लोगों की। 30 में से 27 वेंटिलेटर खराब है, ऑक्सीजन प्लांट काम नहीं कर रहे हैं, पावर जनरेटर सही नहीं काम कर रहा। तो यहाँ पर मतलब प्रशासन की और हॉस्पिटल मैनेजमेंट की काफी ज्यादा लापरवाहियां देखने को मिली। वहीं कोविड मॉक ड्रिल में 2 मिनट में मिला इलाज। कानपुर में बच्चे को बनाया गया कोविड पेशेंट। WHO ने अस्पताल में देखी व्यवस्थाएं, यानी मॉक ड्रिल के कानपुर में बहुत अच्छे नतीजे रहे। एटा मेडिकल कॉलेज में मॉक ड्रिल कराया। WHO के नोडल अधिकारी ने परखी व्यवस्थाएं और कमियों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। वहीं महाराजगंज में भी कोरोना से निपटने के लिए मॉक ड्रिल के दौरान अधिकारियों ने अस्पतालों की व्यवस्थाएं देखी और काम करते मिले सभी उपकरण। तो इस तरह से कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद उत्तर प्रदेश में पूरा स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो चुका है। अमेठी जिला अस्पताल में भी मॉक ड्रिल किया और जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ बोले कि जल्द दूर होंगी कमियां। तो
यूपी के अस्पतालों में कोरोना से निपटने की काफी कुछ हकीकत ऐसी देखने को मिली। कई सारे अस्पतालों में बड़े डॉक्टर मौजूद नहीं थे। इटावा में बिना पीपीई किट के मॉक ड्रिल करना पड़ा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में डॉक्टर नहीं थे। तो ये कुछ यूपी में कोरोना के मॉक ड्रिल के हालात हैं। कई जगहों पर अभी भी व्यवस्थाओं को काफी ज्यादा बेहतर करने की जरूरत है, राइट। ये मतलब मॉक ड्रिल किया तो असलियत सामने आई। बुलंदशहर में कोविड अस्पतालों में चला मॉक ड्रिल। डीएम ने लिया जायजा। संसाधनों के अलावा ऑक्सीजन प्लांट चलाकर देखी गई सप्लाई। अच्छा, वहीं कोरोना पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि आगरा में भी कोरोना जांच के लिए लोगों की लाइनें लगने लगी हैं। मंगलवार को 1063 लोगों की जांच हुई। सबकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। सबसे ज्यादा ताजमहल पर जांच की गई। वैसे गली कानपुर आईआईटी का एक छात्र भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। 2 दिन पहले कोलकाता से लौटा था ये। 48 घंटे में संक्रमण का दूसरा केस देखा गया कानपुर में। वहीं कोरोना को लेकर अयोध्या मंडल में अलर्ट। अपर निदेशक एके श्रीवास्तव बोले कि नए वेरिएंट BF7 से निपटने के लिए अस्पतालों में पर्याप्त व्यवस्थाएं बढ़ाई जाएं। एक और बड़ा फैसला देखिए योगी सरकार का कि मेडिकल कॉलेज समेत 4 CHC में होगा कोविड इलाज। बस्ती DM ने अस्पताल का निरीक्षण किया और मॉक ड्रिल भी देखी। हाँ, तो ये कुछ माहौल चल रहा है उत्तर प्रदेश में कोरोना को लेकर। वैसे दोस्तों, आप यूपी में कौन से जिले में रहते हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा पाऊंगा। और आपसे एक छोटी सी प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इससे होगा ये दोस्तों कि डेली यूपी न्यूज एक उत्तर प्रदेश का ऐसा चैनल है जिस पर आपको रोजाना की ताजा खबरें मिल जाती हैं, तो तुरंत मिलती रहेगी, ठीक है ना। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते खबरों की तरफ। देखिए, उत्तर प्रदेश में 1790 स्टाफ नर्सों की नियुक्ति का फैसला। हर साल 2000 भर्तियां अलग से होगी। और अभी उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की तरफ से एक बैठक की गई और इसमें 1790 नर्सों की नियुक्ति को हरी झंडी दे दी है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश के मऊ में कल ही एक बड़ी दुर्घटना हो गई। आग लगने से 5 लोग जिंदा जल गए। मरने वालों में 4 बच्चे और 1 महिला शामिल है। मऊ में आग लगने से ये बड़ा हादसा हो गया। अच्छा, फरुखाबाद में देखिए दोस्तों, 28 खाद की दुकानों पर छापेमारी की और 7 के तो लाइसेंस भी निलंबित कर दिए। जिला कृषि अधिकारी बोले कि पोस मशीन से ही करे बिक्री। ये छापेमारी और कईयों के लाइसेंस निलंबित करने के पीछे वजह ये भी है दोस्तों कि कई सारे खाद और कृषि दवाइयां बेचने वाले लोग बाग ना नकली दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं और इस वजह से किसान भाई लोगों को नुकसान हो जाता है। देखिए, हाथरस में कल एक बड़ी घटना देखी गई। ऐसी ही एक किसान की 25 एकड़ की आलू की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई और कीटनाशक छिड़कने के बाद वो फसल बोई थी। तो अब दुकानदार पर नकली दवा देने का आरोप भी लगाया जा रहा। देखते हैं इसमें जांच में क्या खुलासा सामने आता है। हाथरस में कोतवाली साहूपो क्षेत्र के एक किसान की 25 एकड़ आलू की फसल कीटनाशक दवा के बाद बिल्कुल खत्म हो गई। अच्छा, अगला अपडेट आ रहा है। गेल ने औरैया प्रशासन को बांटे 1000 कंबल। सर्दी में जरूरतमंद लोगों को चिन्हित कर किया जाए वितरण। DM ने गेल के प्रयासों को भी सराहा। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश प्रयागराज शहर में जल्द बनेंगे 48 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। प्रयागराज के CMO ऑफिस में शहरी स्वास्थ्य समन्वय समिति की हुई समीक्षा बैठक। अच्छा, वहीं सोनभद्र में 10 बजे से खुलेंगे 1 से 8 तक के स्कूल। शीतलहर को देखते हुए BSA ने जारी किया आदेश। BSA ने बेसिक शिक्षा अधिकारी की तरफ से आदेश जारी किया गया। अच्छा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से बड़ा फैसला देखिए। युवा दिवस के दिन होगी महापंचायत। 12 जनवरी को महापंचायत का ऐलान किया और सर्वदलीय बैठक में छात्रों ने भी फैसला लिया। झांसी में पारा 5 डिग्री तक गिरा। तेज शीतलहर से बड़ी ठिठुरन। 8 तक के स्कूल 10 बजे से खुलेंगे। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, पिंक बूथ पर होगा महिलाओं के समस्या का समाधान। अमरोहा में SP ने इसका शुभारंभ किया। 24 घंटे तैनात रहेंगी यहाँ महिला पुलिस कर्मी भी। अमरोहा के डिडोली थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे स्थित जीवाई चौकी के प्रांगण में एक पिंक बूथ का उद्घाटन किया गया। और मतलब ऐसे पिंक बूथ का उद्देश्य ये है, जैसे थानों में जाते हैं हम रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, तो इस तरह से अगर महिलाओं को माताओं बहनों को कोई उत्पीड़न है, किसी तरह की कोई स्पेशली समस्या है, तो महिलाओं के लिए ही होंगे ये पिंक बूथ। यहाँ 24 आवर्स महिला पुलिस कर्मी ही तैनात रहेगी और माताओं बहनों की समस्याओं का समाधान करेगी। अच्छा, मैं देखिए, एक सामाजिक ट्रस्ट आप सबकी रसोई की संस्थापिका रितु बिश्नोई का निधन हो चुका है। 9 दिन पहले अचानक वो बेहोश होकर गिर गई थी। देहरादून के अस्पताल में उनका निधन हुआ। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। उत्तर प्रदेश में निवेश पर एक और खबर आ रही कि जापान भी भारी निवेश करेगा। जापान के रक्षा मंत्री फ्यूजी मारो सतोशी ने डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की और जापान के द्वारा यूपी में कई अलग अलग सेक्टरों में करोड़ों के निवेश पर समझौते हुए। अच्छा, बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश वाराणसी में बाबा विश्वनाथ की होगी अपनी पार्किंग व्यवस्था। दर्शन पूजन के लिए आने वाले भक्तों के लिए धर्मशाला भी बनाई जाएगी। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों को अब गाड़ी पार्किंग के लिए समस्या नहीं होगी। इसके लिए जल्द ही मतलब एक बड़ा विकास किया जा रहा है और अलग से। अच्छा, अवध यूनिवर्सिटी में 4 जनवरी तक भरे जाएंगे फॉर्म। BA/BSc BCom के प्रथम वर्ष व तृतीय सेमेस्टर के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। वह देखिये, यूपी में 7 सीनियर IPS अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया। प्रयागराज ADG प्रेम प्रकाश हटाए गए। A/Satish गणेश को ADG GRP का चार्ज दिया गया। अच्छा, हाल ही में आपको बताऊंगा, टीवी एक्ट्रेस तुनिसा शर्मा ने जो खुद की जान ले ली थी, उस पर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा। उनके साथ काम करने वाले को एक्टर जो है ना, सीजान मोहम्मद खान, जिसको पुलिस की तरफ से अरेस्ट भी कर लिया गया, उनका यूपी से कनेक्शन देखा गया। मेरठ का रहने वाला है सीजान का परिवार, यही जन्म हुआ। दोनों बहनों ने मेरठ में ही एक्टिंग सीखी थी। अच्छा, वही देखिए, आगरा में 1,37,00,000 रुपए लेकर फरार हुआ बैंक कर्मचारी। बैंक में कैश
जमा कराने पहुंचा था। सुरक्षा कर्मियों के जाते ही बॉक्स तोड़ बोरे में भर रुपए लिए और रफू चक। आगरा में केस कलेक्शन करने वाली प्राइवेट कंपनी का एक कर्मचारी लगभग 1.5 करोड़ रुपए की रकम लेकर फरार है। वैसे आगरा में इस बार बोर्ड परीक्षा केंद्रों की संख्या को भी घटा दिया, अब 163 केंद्रों पर होंगे बोर्ड एग्जाम। शिकायत के बाद 15 केंद्रों को निरस्त किया गया। वह बरेली यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह की तैयारियों की कुछ तस्वीरें। कल 29 दिसंबर को रुहेलखंड विश्वविद्यालय का 20वां दीक्षांत समारोह मनाया जाएगा और इस दौरान यूपी की राज्यपाल मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट के रूप में रहेगी। वह हाथरस में किन्नरों को CDO ने बांटे ID कार्ड। कल्याण बोर्ड की हुई बैठक, 23 किन्नरों को ID कार्ड और प्रमाण पत्र वितरित किए गए। और अंतिम अपडेट है, लखनऊ विश्वविद्यालय और रेडियो जय घोष के बीच कुछ MOU साइन हुए हैं। पर्यटन मंत्री और LU कुलपति की मौजूदगी में ये समझौते हुए हैं। फैकल्टी और स्टूडेंट्स इसके लिए भागीदार होंगे और मतलब दोनों एक साथ मिलकर रिसर्च करेंगे, सीखेंगे, लर्निंग करेंगे, एक दूसरे के साथ रिसोर्सेज शेयर करेंगे, है ना। ओके दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की आज दिन भर की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। वैसे यूपी में कौन से जिले की कौन सी तहसील में रहते कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। डेली यूपी न्यूज चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ये आप ही के उत्तर प्रदेश राज्य का अपना खुद का चैनल है, ठीक है ना। ओके ख्याल रखिएगा अपने आपका, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।